हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमेनोरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एमेनोरिया। एमेनोरिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। एमेनोरिया एक मेडिकल टर्म है जिसका यूज हम करते हैं अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट मींस जो वीमेन में 14 to 16 के एज में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। आइदर ऑन अ परमानेंट और टेम्पररी बेसिस इन अ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। या तो यह परमानेंट हो सकता है या तो यह टेम्पररी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव एज दैट मीन्स जो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है या तो 14 के बीच में होता है या तो 14 to 16 के एज में हम मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने का एज होता है। और रिप्रोडक्टिव एज हम बोलते हैं जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है और लास्ट 45 के एज में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप होता है तो उस बीच के एज को हम लोग रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। एमेनोरिया के दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। नो मेनार्च टिल एज 16 ऑल्सो कॉल्ड डिलेड मेनार्च। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का जो एज होता है 16, अगर उस समय तक वीमेन्स में पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुआ है तो इसे हम डिलेड मेनार्च कहते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया, एन एबसेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन अ वुमेन हु हैड बीन मेंस्ट्रुएटिंग बट लेटर स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग फॉर 3 or 4 months इन द एबसेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो तो स्टार्ट हो गया है बट कुछ मंथ से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रहे हैं, 3 या 4 या फिर इससे ज्यादा, और प्रेगनेंसी भी नहीं है, फिर भी इसमें मेनार्च जो है वो अब्सेंट है। इस कंडीशन को हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे। इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, फर्स्ट लो बॉडी वेट भी इसके मेन काउज है। फैमिली हिस्ट्री भी इसके काउजेज हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर हम ले सकते हैं, जेनेटिकल फैक्टर हम ले सकते हैं। जेनेटिकल फैक्टर क्या है, अगर जो गर्ल है जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड अब्सेंट है उसके फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली में किसी को अगर टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, अगर जो वीमेन होती है वो एक्स क्रोमोजोम सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोजोम के साथ वो बोर्न होती है तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। हम जानते हैं कि वीमेन्स में एक्स क्रोमोजोम होता है। फिफ्थ है लो FSH एंड LH लेवल। अगर FSH और LH लेवल अगर लो होगा तो जो ओवा होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो मेंस्ट्रुअल पीरियड भी अब्सेंट होगा। सिक्स नंबर स्ट्रेस भी मेन कॉजेज है। स्ट्रेस बहुत सी बीमारियों का कारण होता है तो इसमें से एक स्ट्रेस। प्रेगनेंसी में हम जानते हैं कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होता है तो ये कोई डिजीज नहीं है। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड अब्सेंट हो जाता है 6 months या फिर 2 या 3 months के लिए अब्सेंट हो जाता है तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर वीमेन कोई ड्रग ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो इसमें भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अब्सेंट होता है। जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करेगी तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं और जब उसे लेना बंद कर देते हैं तो पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो इसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होता है। पिट्यूटरी और थायराइड प्रॉब्लम भी, अगर पिट्यूटरी और थायराइड प्रॉब्लम है तो इसमें भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अब्सेंट होता है क्योंकि पिट्यूटरी ही LH हार्मोन को रिलीज करता है। हाइपोथैलेमिक काउजेज भी हो सकता है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो गोंडाट्रोफिन हार्मोन GnRH जिसे कहते हैं उसे रिलीज करती है और गोंडाट्रोफिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को
एलएच हार्मोन के रिलीज के लिए, एलएच हार्मोन रिलीज करवाता है, तो ये भी एक मेन काउजेज हो सकता है। ओवेरियन काउजेज, ओवेरियन काउजेज अगर इसमें कुछ भी ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल एमोनोरिया में अब्सेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो तो अब्सेंट होता ही है, हेयर फॉल्स होते हैं, हेडक्स होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा फेस पे हेयर ग्रो होने लगते हैं, पेल्विक पेन होने लगता है, एक्ने, एक्ने दैट मीन्स जो हमारे फेस पे एक्ने स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है हमारे फेस पे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, वो क्या करता है, उसका डिजीज, उसे पहले कौन सी डिजीज हुई है, उसके फैमिली मेंबर्स में किसी को क्या डिजीज है, ये सब हम देखें। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे कि थायराइड ठीक है या नहीं। हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, इसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रीन कैविटी का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें कोई डिजीज तो नहीं है या फिर कोई कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। सीटी स्कैन के थ्रू हम देखेंगे कि पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, इसमें हम जेनाइटल ट्रैक में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज हैं तो उसे देखने के लिए करते हैं। ब्लड टेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें हार्मोन का जो लेबल होता है हमारे बॉडी में वो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। अब हम एमेनोरिया के मैनेजमेंट देखेंगे। फर्स्ट ड्रग थेरेपीज में हम डोपामाइन एगोनिस्ट पेशेंट को देंगे, इसमें हम ब्रोमोक्रेप्टिन और प्रेगोलाइट्स दे सकते हैं। यह जो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का कंडीशन जो होता है उसके ट्रीटिंग के लिए होता है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, जो वीमेन्स के बॉडी में जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, इसमें हम जो इस्ट्रोजन डिफिशेंसी होता है उसके ट्रीटिंग के लिए यूज करते हैं। अगर मेडिसिन से काम न चले तो फिर हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। इन केस इन विच जेनेटिक और एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटीज आर द काउज ऑफ एमोनोरिया, सर्जरी में बी रिकमेंडेड टू करेक्ट एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटीज। अगर हमारे शरीर में कोई एनाटोमिकली मतलब शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमारे ओवरीज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें सर्जरी के थ्रू ही करेक्शन हो सकता है। अगर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स है तो इसमें भी हमें सर्जरी के थ्रू ही करेक्शन होता है या फिर रेडिएशन थेरेपी के थ्रू। अगर जेनिटल ट्रैक में कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उसमें भी हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। अगर पेशेंट का जो वेट होता है वो बहुत ही कम है तो हम न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट दे सकते हैं ताकि उसका वेट जो हो वो गेन कर सके। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।